नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के संदर्भ में जब भी हम देखते हैं, और खासकर किसान आंदोलन के बाद की परिस्थितियों और घटनाओं पर जब हम विचार करते हैं, तो ये पाते हैं कि किसानों के नाम पर बहुत सारे लोग राजनीति में ऊंची मुकाम पा गए, करोड़ों और अरबों कमा गए और घरों को भर दिया, और बहुतों की राजनीति की दुकानदारी ही किसानों की राजनीति या किसानों के नाम पर धंधा करने पर ही चल रही है। न इनका किसानों से कुछ लेना देना है, न किसानों के हित से, इससे अधिक इन्हें लेना देना है तो अपनी दुकानदारी से। किसानों को मूर्ख बनाकर भारत में राजनीति करना, ये भारत में ये पुरानी परंपरा है, और ये राजनीतिक धंधा बहुत ही अच्छी आय का साधन है। किसान का नाम ले लेकर विधायक, सांसद, मंत्री बन जाना, ये हमारे देश में फैशन सा रहा है और लोग बनते रहे हैं। अरबों अरब कमा लेने के बावजूद बहुत ही गरीबी का आवरण ओढ़ कर किसानों को मूर्ख बनाने की परंपरा हमारे यहाँ हमेशा से रही है। लेकिन आज इसके इतर हम चर्चा करना चाहेंगे कि किसानों को फायदा क्यों नहीं पहुंच पाती है, और किसानों के लिए और अधिक क्या क्या किया जा सकता है। भारत में यूँ कहें तो 70% लोग किसी न किसी तरह से खेती पर ही जुड़े हुए हैं। खेती ही उनकी रोजगार की साधन है, और प्राथमिक आय या द्वितीय आय के रूप में खेती ही उनका मुख्य पेशा है या आय का स्रोत है। हमारे देश में किसानों की गरीबी का मुख्य कारण खेतों की सही इस्तेमाल न कर पाना भी है, और किसानों में जागरूकता का अभाव है, क्योंकि अधिकतर किसान बरसात के ऊपर निर्भर होकर खेती करते हैं, और किसी साल बरसात अच्छी होती है, किसी साल खराब होती है, और इसी में किसान बन भी जाता है और बर्बाद भी हो जाता है। हमारे यहाँ बरसाती नदियों की बहुत संख्या है, जिनमें केवल कहें कि बरसात में ही पानी होती है और अन्य मौसमों में नहीं, और उन बरसाती नदियों को जगह